बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, आलू के कटलेट, जो कि बहुत ही जल्द तैयार हो जाते हैं। आप देख सकते हैं ये कितने ही क्रिस्पी बने हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरा इंस्टा अकाउंट भी है, अगर आप चाहें तो मुझे उधर भी ज्वाइन कर सकते हैं। पोटैटो कटलेट बनाना बहुत ही इजी है, आप इसे टी टाइम भी इंजॉय कर सकते हैं या आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी बनाकर दे सकते हैं, बच्चों को बहुत ही पसंद आएंगे। अगर आपने आलूओं को पहले बॉयल करके रखा है तो ये 10 मिनट में आपकी रेसिपी तैयार हो जाएगी। आलू के कटलेट बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, सबसे पहले मैंने दो अंडे ले लिए हैं, ग्रीन चिली जिसे मैंने चॉप किया है, गरम मसाला, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, पेपरिका पाउडर, ड्राई लहसुन, साल्ट टू टेस्ट, ब्लैक पेपर और चिली फ्लेक्स। ये मैंने थोड़ी सी अजवाइन और जीरा 1 टीस्पून लिया है, ग्रीन ऑनियन जिसे मैंने चॉप कर लिया है और सब्ज धनिया। आधा किलो जो मैंने पोटैटो लिए हैं उन्हें मैंने बॉईल करके रख लिया है और ब्रेड क्रम्स 1 कप। सबसे पहले मैं अंडे को बीट कर लेती हूं। अंडे को बीट करके हम साइड पे रख देंगे और प्लीज वीडियो को फुल वॉच किया करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो थम्स अप भी करें। अब मैं आलूओं को मैश कर लेती हूं किसी भी मैशर से, या आप इसे हाथ की मदद से भी कर सकते हैं। आलूओं को आप बॉईल करके ठंडा कर लें। इस तरह आप किसी भी मैशर से अच्छे से मैश कर लें आलूओं को। अब मैं इनमें मसाला जात ऐड कर लेती हूँ, ग्रीन चिली। अगर छोटे बच्चों ने खानी है तो आप ग्रीन चिली जो है स्किप भी कर सकते हैं। हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, 1 टीस्पून ही रेड मिर्च का पाउडर, अजवाइन और जीरा, ब्लैक पेपर, ड्राई गार्लिक, सॉल्ट और चिली फ्लेक्स को भी मैं इसमें ऐड कर लूंगी, ग्रीन ऑनियन, गरम मसाला, सारे मसाला जाते मैंने इसमें ऐड कर लिए हैं। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। मेक श्योर करें कि सारे मसाला जात अच्छे से मिक्स हो जाएं सारे आलूओं में। मैंने अपने हाथों को अच्छे से वॉश कर लिया है। अब मैं अपने हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा लूंगी, इससे जो मिक्सचर है हमारे हाथों पे नहीं लगेगा। अब जिस भी साइज के आप कटलेट बनाना चाहते हैं उतना आप मिक्सचर ले लें और इस तरह दोनों हाथों से उसे प्रेस करें और फिर हम इसे गोल शक्ल दे लेंगे। मैं थोड़ा बड़े साइज के बना रही हूँ कटलेट, आप जो भी साइज आपको पसंद है आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, बड़े या छोटे। इस तरह मिक्सचर लेके आप दोनों हाथों से प्रेस कर फिर उसे एक गोल शक्ल दे दें। इसी तरह सारे कटलेट मैं एक ही साइज के तैयार कर लूंगी।
अब पहले मैं इसे अंडे में डिप करूंगी अच्छे से इस तरीके से। अब मैं ब्रेड क्रम्स को इसके ऊपर अच्छे से लगा लूंगी। मेक श्योर करें कि ब्रेड क्रम्स पूरे कटलेट पे अच्छे से लगना चाहिए। इसी तरह मैं दूसरे भी तैयार कर लूंगी। पहले हम इसे अंडे में डिप करेंगे और फिर इसके ऊपर अच्छे से ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। इसी तरह एक एक करके मैं सारे तैयार कर लेती हूं। सारे कटलेट को मैंने तैयार कर लिया है। अब मैं इन्हें फ्राई करूंगी। इस स्टेज पर आप इन्हें फ्रीज भी कर सकते हैं, किसी भी फ्रीजर बैग में डाल के या एयरटाइट डिब्बे में डाल के। अब मैं एक बर्तन ले लूंगी, उसमें 2 कप मैंने ऑयल डाल लिया है। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। अब मैं कटलेट को फ्राई करूंगी। ऑयल थोड़ा गर्म ही होना चाहिए जब आप इसमें कटलेट ऐड करेंगे। दो मिनट तक हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। 2 मिनट के बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। उससे पहले आपने इसे नहीं हिलाना, इस तरह जो हमारे ब्रेड क्रम्स हैं वो उतर भी सकते हैं। अब मैं इनकी साइड चेंज कर लेती हूं। आराम से इस तरह आप इसकी साइड चेंज कर लें। साइड को मैंने चेंज कर लिया है। अब दूसरी साइड पे भी हम 2 मिनट के लिए इसे फ्राई करेंगे। आंच को मैंने लो टू मीडियम रखा है। कटलेट बनकर तैयार है। अब मैं एक पेपर टॉवल पे इन्हें निकाल लूंगी। इससे जो भी इसका एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो पेपर टॉवल पे जज़ब हो जाएगा। इस तरह एक एक करके मैं इसे निकाल लेती हूँ। आप देख सकते हैं कितना ही अच्छा कलर आया है। अब जो दूसरे कटलेट मैंने रखे थे वो भी इसी तरह मैं फ्राई कर लेती हूँ। कटलेट बनकर तैयार है। अब मैं इन्हें सर्व कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं ये कितने ही यम्मी लग रहे हैं। आप इन्हें किसी भी सॉस या केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से नरम बने हैं। आप भी मेरी इस रेसिपी को एक दफा जरूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे देना ना भूलिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।